लेट्स एसिमिलेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कोई डांस प्रैक्टिस, कोई रिचुअल, म्यूजिक, फेस्टिवल, ट्रेडिशन एटसेट्रा आता है, कोई नॉलेज, स्किल, इंस्ट्रूमेंट, आर्टिफैक्ट जो कि किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसे फॉलो करता आ रहा है जेनरेशन टू जेनरेशन। तो ये लिस्ट बनाता कौन है? बनाई जाती है इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ सेफगार्डिंग फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के द्वारा, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 2008 में कन्वेंशन के द्वारा, जो था कन्वेंशन ऑफ सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी है, इसे इलेक्ट किया जाता है स्टेट पार्टीज मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा इसे इलेक्ट किया जाता है। 2010 में इसे प्रोग्राम को और एक्सटेंड किया गया और दो तरीके की लिस्ट में इसे डिवाइड किया गया। तो पहली लिस्ट होती है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें जो लिस्ट जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि उन्हें सेफगार्ड क्यों किया जाना है, क्या क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है उसकी, लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। दूसरी लिस्ट है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग। यहाँ पर वो साइट्स आते हैं जहाँ अर्जेंट सेफगार्डिंग की ज़रूरत है, मतलब वो वल्नरेबल कंडीशन में पहुँच चुके हैं। तो एम क्या है ये लिस्ट बनाने का और ये सब इतना सारा करने का? तो एम है कि सबसे पहले कि जो भी चीज़ है, जो भी प्रैक्टिस है, उसे एक बेटर प्रोटेक्शन दिया जा सके, क्योंकि जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है उसे सिक्योर करना, प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है, और लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जा सके जाए कि उसे प्रिजर्व करना क्यों है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की, तो ये लोगों में फैलाया जा सके, लोग और अटेंशन लाया जा सके गवर्नमेंट का, एनजीओस का, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का, ताकि उस चीज़ को बेटर प्रोटेक्शन दिया जा सके, सेफगार्डिंग दी जा सके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसकी? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ट्रेडिशनल होना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस हो उसे ट्रेडिशनल होना चाहिए, कंटेम्प्ररी होना चाहिए और लिविंग, जीवित भी हो वो इस टाइम पर प्रैक्टिस हो रहा हो। दूसरा है जनरेशन टू जनरेशन उसे पास होना ज़रूरी है, और सोशल कोहेजन, एक पूरी कम्युनिटी को बांध करके रखने का काम वो कर रहा हो, ऐसी कोई प्रैक्टिस हो सकती है। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कल्चर गुड कंपेरेटिव बेसिस पे नहीं, इसको एक्सेप्शनल वैल्यूज इंक्लूड, मतलब एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सेप्शनल वैल्यूज को शो आउट करना चाहिए इसे। इसे कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल एक फॉलो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसे कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। तो पहली इंडिया की चीज जो कि इस लिस्ट में शामिल की गई वो थी कोडियट्टम, 2008 में इसे शामिल किया गया। ये केरला से है और ये कंबाइंड डांस और ड्रामा होता है, संस्कृत लैंग्वेज में इसे परफॉर्म किया जाता है और इसे कंडक्ट कराया जाता है। तो इसका जो पूरा जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी एक अलग सी चीज़ है कि चाख्याश जो हिंदू की सब कास्ट है उसके लोग, उसके मेल्स इसका मेल पार्ट प्ले करते हैं और नाम्बियार कास्ट की फीमेल्स इसका फीमेल पार्ट प्ले करती हैं। 6 से 20 दिन का परफॉर्मेंस है, ये टेंपल के अंदर किया जाता है और हिंदू माइथोलॉजी से पे बेस्ड इसकी स्टोरीज होती हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है विदूषक, विदूषक जो कि मलयालम लैंग्वेज में बैकग्राउंड सेट करता है कि अब ये होने वाला है, अब ये होगा, तो वो मलयालम लैंग्वेज में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराता है जो भी बैकग्राउंड होने वाला है उस स्टोरी का। और इसका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो है मिजहा। देन कम्स दूसरा आ जाता है रामलीला, 2008 में इसे भी इंक्लूड किया गया, ये यूपी में होता है, दशहरे के पहले किया जाता है इसे। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है बख्शी का तालाब की जो रामलीला है उसको मिला है ये। तो 10 सक्सेसिव नाइट्स तक होता है दशहरे के पहले, शरद नवरात्रा के टाइम पर,
और ये क्या बोलते हैं, जनरली इसके जो भी हैं मतलब इसके फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं उसे भी मेल ही प्ले करते हैं। और बख्शी का तालाब मैंने पहले बताया लखनऊ के पास है और 1972 से यहाँ पर एक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है और वो ये है कि इसके लीड रोल जो हैं राम लक्ष्मण और हनुमान ये मुस्लिम्स प्ले करते हैं और इसे रेडियो पर भी टेलीकास्ट किया गया है उस गांव की रामलीला के नाम से। और अगर ऐसा होता है तो एक कल्चरल हार्मनी लोगों में बिल्ड होती है तो ये उसके उसको भी प्रमोट करता है। ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग 2008 में इसे इंक्लूड किया गया, ये लद्दाख में प्रैक्टिस किया जाता है, एक ओरल ट्रेडिशन है, लोग इसे गाते चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो ये अनब्रोकन ओल्डेस्ट ओरल ट्रेडिशन है और ऐसा माना जा रहा है कि ये वैदिक टाइम आयरन एज से प्रिजर्व किया गया है, इसे उस टाइम से चला आ रहा है। बहुत सारे वैदिक पाठास होते हैं इसमें, जो हमारे वेद हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बहुत सैक्रेड मानते हैं, तो उसी के कुछ रेंडिशंस हैं जिन्हें यहाँ पर रिसाइट किया जाता है, तो इसे आयरन एज से ठीक है। और इसे मतलब वेद को हम मानते हैं कि वो हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, तो इस वजह से लोगों में जनरेशन टू जनरेशन ये जाए और लोग उस नॉलेज को अपने अंदर मतलब उसे एक्वायर कर सकें। ये रमान 2009 में इसे इंक्लूड किया गया, उत्तराखंड में प्रैक्टिस किया जाता है, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है देख सकते हैं आप, तो ये एक रिचुअल थिएटर की तरह काम करता है और घारवार रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। हिंदू कम्युनिटी कहाँ की, सालूर डुंगरा विलेज है पेनकांडा वैली में, तो पेनकांडा वैली की सालूर डुंगरा विलेज में ये प्रैक्टिस किया जाता है और यहाँ के लोग ऑफरिंग मतलब उस टाइम पे जिस देवता को पूजते हैं वो है भूमियल देवता। यूनिक चीज़ इसकी ये है कि इस फेस्टिवल के टाइम पर हर कास्ट अलग अलग कास्ट को उनका पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड किया जाता है कि उन्हें वो काम करना है और जो गाने गाए जाते हैं उन्हें जागर्स कहा जाता है। ये उस एरिया के जो लेजेंड्स हुए हैं उनको सेंटर रख करके ये गाने लिखे जाते हैं, तो ये गाने गाए जाते हैं जागर्स कहा जाते हैं। फिर आ जाता है मुदियत्तु, 2010 में इसे इंक्लूड किया गया, केरला में परफॉर्म होता है। ये देखिए किस तरीके से हो रहा है, ये तो ये एक फोक डांस है, ड्रामा बेस्ड है और इसकी जो स्टोरी है गाने जो भी हैं वो माइथोलॉजिकल टेल्स पर बेस्ड हैं और इसका इम्पोर्टेंट ये है कि गॉडेस काली और डेमन दरिका के बीच में बैटल हुआ था, तो उसी स्टोरी के आसपास इनकी जो ये डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है वो होती है। कहाँ पे होती है, एक विलेज टेम्पल है जिसे भगवती काबूस कहा जाता है। ये फरवरी से मई के बीच में हार्वेस्ट सीजन के बाद परफॉर्म किया जाता है और मेन चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें इस टाइम पे लोग जो है वो हैवी मेकअप लगाते हैं, गॉर्जियस अटायर होता है, कन्वेंशनल फेस पेंटिंग और बहुत ऊंचा सा हेड गियर पहनते हैं। ये आप इस टाइम पे ये फोटो में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेकअप और हेड गियर वगैरह काफ़ी एलेबोरेटेड है। कलेक्टिव कॉपरेशन, सारे के सारे कास्ट एक साथ मिलकर काम करते हैं यहाँ पर, तो एक कॉमन आइडेंटिटी और बॉन्डिंग का डेवलपमेंट होता है मुदियत्तु परफॉर्म। फिर आ जाता है कलवेलिया, 2010 में इसे इंक्लूड किया गया, ये राजस्थान का फोक डांस है और जो लोग इसे परफॉर्म करते हैं, जो इसके मोमेंट है वो सांप से रिजेंबल करते हैं, जो लोग परफॉर्म करते हैं वो एक ट्राइब है, कलबेलिया ट्राइब कहा जाता है और इनका काम है कि ये सांपों को पकड़ते हैं, उसके बाद उनका जहर निकाल करके उस जहर की ट्रेडिंग करते हैं। और तो ये जो सॉन्ग हैं जो भी ये गाने गा रहे हैं जिन पर ये डांस करेंगे तो वो माइथोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की ये है कि कलबेलिया में परफॉर्मेंस जो भी कर रहा है परफॉर्मर वो उसमें किसी भी टाइम पर इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है इसका। चाऊ, चाऊ एक मार्शल आर्ट है, कई जगह पर इंडिया में होता है, 2010 में इसे भी लिस्ट में शामिल किया गया, आप देख सकते हैं इसे, तो ये एक ट्राइबल मार्शल आर्ट है और स्प्रिंग सीजन के टाइम पर 13 दिन का होता है, ये 13 दिन परफॉर्मेंस किया जाता है इसका और पूरा का पूरा कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करता है
और ज्यादातर ये परफॉर्मेंस मेल के द्वारा किया जाता है और ओपन स्पेस में, रात में ओपन स्पेस में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका थीम जो है हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड है और मास्क पहनते हैं ये चेहरे पर। तीन सब जेनर हैं और ओरिजिन पे बेस्ड किस एरिया में और ओरिजिन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग नाम है और थोड़ी बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है पुरुलिया, इसे वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। सरायकेला इसे झारखंड में कहा जाता है। मयूरभंज इसे उड़ीसा में कहा जाता है। और मयूरभंज जो है उड़ीसा का, इसका यहाँ में मास्क पहना नहीं पहना जाता है और दोनों में मास्क पहना जाता है। बुद्धिस्ट चेंटिंग 2012 में इसे इंक्लूड किया गया, लद्दाख में प्रैक्टिस किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि ये म्यूजिकल वर्ड्स हैं, इनकेंटेशन जादू जैसा, मतलब कुछ ये मेडिटेशन के पहले खुद को प्रिपेयर करने के लिए कुछ चेंटिंग्स किए जाते हैं। ये हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूस सबसे मतलब मिलता जुलता है, जैसा वो करते हैं वैसा ही ये भी कुछ करते हैं। ट्रेडिशन है कि मेडिटेशन के लिए खुद को, माइंड को प्रिपेयर करना है और इसलिए ये कुछ। फिर आ जाता है संकीर्तना, ये 2013 में इंक्लूड किया गया, मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग सड़कों पर गाने गा रहे हैं, इसी तरीके से कुछ होता है। ये रिचुअल सिंगिंग है, ड्रामिंग है, डांसिंग सब एक साथ होता है। ये रिलीजियस ओकेजन के टाइम पर हो सकता है ये, और इस टाइम पे ये मणिपुर के वैष्णवाइट्स जो विष्णु भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, उनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ को ये डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर ये टेम्पल में भी होता है और इससे इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप होता है, क्योंकि लोग घूम रहे हैं और गाने गा रहे हैं तो आसपास के लोग भी उससे इन्वॉल्व होते हैं। जो मेन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं वो है सिंबल और ड्रम। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, यूटेंसिल मेकिंग अमंग थटेराज ऑफ जांदियाला गुरु, ये पंजाब में होता है। 2014 में इसे इंक्लूड किया गया है। इस तरीके के बर्तन ये बनाते हैं और ये काफी टाइम से बनाते आ रहे हैं, इसे इंक्लूड किया गया है। तो ये ओरल ट्रेडिशन था और इसे इनहेरिट किया है थटेरा कम्युनिटी जो कि पंजाब की है। और ये मेटल हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसे मतलब अलग अलग शेप्स में, प्लेट ऑफ ब्रास, कॉपर, कांसा, इन सब में से इसे बनाते हैं। और ये जो मेटल हैं इनका मेडिसिनल वैल्यूज काफी ज्यादा होता है। पेट्रोनाइज किया था इसे महाराजा रंजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में। फिर आ जाता है नौरोज, 2016 में इसे इंक्लूड किया गया। ये पारसी का न्यू ईयर है, पारसी कम्युनिटी जो है उसका न्यू ईयर को नौरोज कहा जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पारसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनका मतलब साल शुरू हो गया है। तो ये फर्स्ट डे है ईरानियन कैलेंडर का जो कि मार्च इक्विनॉक्स के टाइम पर होता है, ज्यादातर ये क्या बोलते हैं 21 मार्च के आसपास होता है। स्प्रिंग फेस्टिवल कश्मीर कम्युनिटी मनाती है और कस्टम है कि उस टाइम पर एक टेबल लगाया जाता है जो क्या बोलते हैं गत्था होता है उसमें, और एक लैंप जलाया जाता है या फिर कोई कैंडल हो सकती है। शैलो सिरेमिक प्लेट होती है जिसमें स्प्राउटेड व्हीट और बीन्स रखे जाते हैं और छोटा सा एक बाउल है जिसमें कुछ सिल्वर कॉइन रखे जाएंगे, पेंटेड एग्स रखे जाएंगे और एक वाटर बाउल होगा जिसमें गोल्ड फिश रखी जाएगी। क्यों करते हैं ये चीज, सिग्निफाई करती है कि प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, कलर, प्रोडक्टिविटी, स्वीटनेस और हैप्पीनेस को। फिर आ जाता है योगा, योगा 2016 में इसे इंक्लूड किया गया। ये कुछ पोस्चर होते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है ये। तो ये सीरीज ऑफ पोजेस हैं, मेडिटेशन है, कंट्रोल ब्रेथ है, सेल्फ रियलाइजेशन है, गुरु शिष्य परंपरा को ये फॉलो करते हैं, मतलब ये गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करके ही ये और लोगों तक पहुंचाया जाता है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जैसे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसके आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आंसर इसके बताइएगा कौन सा हो सकता है। एंड थैंक यू।